नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस आर एस नीरज टेक चैनल दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, जब आप अपनी फ़ोन की पूरी ईएमआई भर देते हैं तब भी आपके ईएमआई के रूप में कुछ पैसे कटते रहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको एनओसी पेपर लेनी पड़ती है। एनओसी पेपर का मतलब ये हो कि आपको कोर्ट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ेगी, जिसे आपको उस ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे। आपके नाम पर जो भी ली गई वगैरह उस कार्ड से, उसी से एक एनओसी पेपर बनती है और उसी ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अगर पैसा कटता है तो वो पैसा आपको वापस कर देंगे। तो एनओसी पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई आप फ़ोन परचेज करते हैं और उसे उसकी पूरी ईएमआई को कर देते हैं, तब आपको एनओसी पेपर ले लेना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप घबराइए नहीं, आपको बस इतना ही करना है कि आपको उस, चाहे वो बजाज की हो चाहे वो HDB की हो, इनका आपको ऑफिस जाना है और वहाँ पर जाकर आपको एनओसी पेपर मांगना है आपके नाम पे। आप अपना आईडी कार्ड दिखाकर वहाँ पर आप बोलिए कि मुझे एनओसी पेपर चाहिए, मेरे पूरी ईएमआई कंप्लीट हो चुकी है फिर भी मेरे मोबाइल से बैलेंस कट रहे ऑटोमेटिक, इसे आप रोकें और जो एक्स्ट्रा कट गया वो मेरे पैसे वापस कर दे। दोस्तों आपको वहाँ पर पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन बजाज के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आपका बजाज से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सॉल्व होने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा कटते ही रहते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।